हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि जो थर्मोग्रेविमेट्रिक मेथड होता है, इसमें हम टेम्परेचर लेते हैं 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। मोस्ट एक्यूरेट होता है, बट क्या होता है गाइस, टाइम का कंज्यूमिंग होगा, एज वेल एज ध्यान रखिए इसका वाइडली यूज भी किया जाता है। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे टेंसियोमीटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। टेंसियोमीटर यानी मोशन मेजरमेंट के अंतर्गत इसको यूज किया जाता है। 0.85 bar, यदि पूछेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेंसियोमीटर के अंतर्गत कितना लगेगा, तो -0.85 bar ध्यान रखिएगा। जो टेंसियोमीटर का यूज किया जाता है गाइस, वन ऑफ द ध्यान रखना किसके अंतर्गत किया जाएगा, जो सैंडी सॉइल होती है ना, सैंडी सॉइल में इसका यूज करते हैं। जो साल्टी सॉइल होगा या तो क्ले सॉइल होगा, वहां पे इसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। क्योंकि क्या होता है गाइस, जो टेंसियोमीटर में जो सेरेमनिक कफ होता है वो उसको यूज कर लेता है साल्ट को, जिसके कारण से नीचे का पोर्शन क्या हो जाता है, चोक होता है। टेंसियोमीटर दो टाइप से होता है मुख्य रूप से, एक होता है मर्क्यूरी वाला होगा और एक क्या होता है मुख्य रूप से वैक्यूम गेज वाला। तो जो फार्मर यूज करते हैं वैक्यूम गेज वाला यूज करते हैं, और मर्क्यूरी जो यूज किया जाता है वो रिसर्च सेंटर पे यूज किया जाता है। गार्नर तथा रिचार्ड ने इसके बारे में बताया था, है ना, और इसका ओदर नेम क्या होता है मुख्य रूप से इरोरमीटर होगा। अरे क्या होगा, ओदर नेम इरोरमीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया सा। ठीक है, थैंक यू।